मित्रों नमस्कार, दृष्टि सुपर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम अनुष्टुप छंद की चर्चा करते हैं, तो देखते हैं ये छोटा सा श्लोक। आइए देखते हैं, क कह कृष्ण पि कह कृष्ण को भेद पि काकयो वसंत समय प्राप्ति का कह पि कह। एक बार इसका अनुवाद कर लेते हैं मित्रों। काकह कृष्ण है, कौवा काला होता है। पिकह कृष्ण है, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो हो, को भेद पिक काकयो हो, अर्थात कौवे और कोयल में कोई अंतर नहीं है। को भेद क्या अंतर है पिक काकयो कौवे और कोयल में। वसंत समय प्राप्त है, जब वसंत ऋतु आती है, अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा अपनी कर्कश ध्वनि में बोलने लगता है और कोयल अपनी मधुर ध्वनि में बोलने लगती है, तो दोनों की ध्वनि से अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। तो मित्रों आइए देखते हैं अनुष्टुप छंद। इसमें इस श्लोक में अनुष्टुप छंद हैं किस प्रकार से। ये अनुष्टुप छंद ये वर्णिक छंद होता है। छंद शास्त्र के अनुसार इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आठ आठ वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, काकह में दो वर्ण है, कृष्णह में दो वर्ण है, पिकह में दो वर्ण है और कृष्णह में भी दो वर्ण है। मित्रों ये जो कटा हुआ अक्षर है छंद शास्त्र में इसको नहीं गिना जाता, तो दो दो चार दो छः दो आठ, आठ वर्ण हो गए। प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते हैं। देखिए को भेद पिक काकयो, यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ पर देखते हैं वसंत समय प्राप्त, एक दो, ये यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो यहाँ पर भी क्या है, आठ वर्ण है। आइए देखते हैं काकह काकह फीका फीका, यहाँ पर भी आठ वर्ण हैं। तो आठ वर्ण प्रत्येक चरण में आठ आठ वर्ण हो तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। तो मित्रों एक और पहचान है अनुष्टुप छंद की, कि पांचवा और छठा अक्षर, पांचवा अक्षर हमेशा ह्रस्व होता है और छठा अक्षर हमेशा गुरु होता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँचवा अक्षर, ये पाँचवा अक्षर पी है। पी जो है ये क्या है, ह्रस्व है। क्या है, पी जो है ये ह्रस्व है। और छठा अक्षर का पे विसर्ग है, ये विसर्ग हमेशा दीर्घ होता है इसलिए यहाँ पर ये दीर्घ है। आइए देखते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँचवा अक्षर ये का पे कोई मात्रा नहीं है, ये ह्रस्व है। का इस पर क्या है, ये दीर्घ है। इस प्रकार से यहाँ भी देखते हैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच में ये माँ आता है, ह्रस्व है। और छठ में पर ये या फिर एक ही मात्रा ये जो है ये दीर्घ है। इस प्रकार से और देखते हैं एक दो तीन चार पाँच और कह। तो मित्रों ये रहा अनुष्टुप छंद की पहचान। हमें लगता है कि आप अनुष्टुप छंद कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।